हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो 6 PM पे हर रोज हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू एनालिसिस में हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो यार यहाँ पर देखो, मैं ऐसे मार्क करके लेकर आती हूँ, बढ़िया अपना टाइम लगा कर आती हूँ, ठीक है, मेहनत करके लेकर आती हूँ पहले से ही बहुत, ठीक है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हैं चाहे ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, वो मार्क करके लाती हूँ मैं, और जो बैकग्राउंड रिसर्च चाहिए होती है वो करके लाती हूँ। बहुत बार बैकग्राउंड रिसर्च करने की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ, इतनी देर से न्यूज़ पढ़ रही हूँ, 2 साल से पढ़ा रही हूँ, 2+ ईयर्स से आपको यहाँ पर यूट्यूब पर, और उससे पहले भी फॉलो कर रही थी। तो बैकग्राउंड जो होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, रिसर्च करके लानी होती है रिसर्च करके ला के दे देती हूँ, बट आपके जो नोट्स हैं वो किससे बने होते हैं, एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स इन द न्यूज़ पेपर, और जो बैकग्राउंड चाहिए होती है उसको वो भी आपको मैं नोट करवा देती हूँ। कि नोट्स में PhD होती है क्या, मतलब इतने ज़्यादा लॉन्ग नोट्स होते हैं? नहीं, जिस चीज़ में PhD है उसमें PhD, जिसमें नहीं उसमें नहीं, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम करवा देते हैं। कल किसी बच्चे ने लिखा हुआ था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इज इक्वल टू हलवा, बिल्कुल हलवा ही होते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि इतनी बार न्यूज़पेपर में आते हैं वो, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमें दिखने को मिलते हैं एग्जाम में, बट कुछ इंपॉर्टेंट वाले नहीं भी होते हैं जो आते हैं तो हम कवर करते हैं। तो आपको नोट्स मिल जाते हैं जो कि आप रिवाइज कर सकते हो, जिनसे कि आप लर्न कर सकते हो। क्लास में मैं लर्न करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये होता है 1 आवर की क्लास में, ठीक है ना। आजकल थोड़ी लंबी क्लासेस हो रही है क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा है, कभी कभी 20-30 मिनट की भी होती हैं, ठीक है। 30 मिनट्स टू 1 आवर की क्लास हम लगाते हैं यहाँ पर हर रोज 6 o'clock। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम जल्द ही 25K हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस बार का हमारा इस साल का एम 50K है, तो उसमें आप भी मेरी हेल्प करिए अपने फ्रेंड। अब ये नहीं है कि जिसको नहीं चाहिए ये चैनल तुम उसके भी सब्सक्राइब करो, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जिसको चाहिए उसी को बताना है, ठीक है, ऐसे नहीं, गलत सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे हम, सही, ठीक है। 50K करने हैं हमें इस साल 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। बट हाँ, MCQs भी लॉन्च कर दिया मैंने, जो कि आपकी डिमांड थी फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। जनवरी 2024 के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ₹250 के हैं, स्टील डील है यार। 250 में आपको टेस्ट फॉर्मेट में भी आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हो, और वैसे भी आप रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है, इसमें आपको 10 टेस्ट तो मिनिमम मिलेंगे ही, उससे प्लस भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेक्चर्स भी हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स May 2023 से लेकर के अभी तक हमारे पास November 2023 के हैं, ठीक है ना। और दिसंबर के डल जाएंगे आने वाले वीक में, मैं डाल दूंगी, दिसंबर भी डल जाएगा। ये वीक जो चल रहा है इसमें मेरे ख्याल से पार्ट वन डल जाएगा, बाकी दो जो है नेक्स्ट में डल जाएंगे। और जनवरी मेरा इस बार होगा कि जैसे ही फर्स्ट वीक आए मैं जनवरी का आपका डाल दूँ, ये मेरा एम है, ठीक है। लेक्चर्स होंगे आपके करंट अफेयर्स के, यहाँ पे 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स आप देखोगे, फुली एक्सप्लेन्ड लेक्चर्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। डीडी नोट्स भी मिलते हैं, तो अगर आपने डीडी नोट्स, आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो ये नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड मॉक टेस्ट हैं, स्लैट का है, MHCET 3 और 5 ईयर का है, CUT PG के भी मॉक टेस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी होता है, एक छोटे बिजनेस को खुद ही बताना पड़ता है। बड़े लोग कमेंट में लिख के जाते हो, अरे तुम तो बेच रही हो। मैं नहीं बेचूंगी तो और कौन बेचेगा? मेरा पड़ोसी, मुझे बेचना पड़ेगा मेरा सामान। रीना कपूर तो आने आके बेचने से रही मेरा सामान, मुझे बेचना पड़ेगा ना, तो बताऊंगी तो सही भाई ये है, ठीक है चलो। क्योंकि अगर मैंने देख लिया बहुत सालों से, अगर मैं फ्री में भी कुछ दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी करंट अफेयर्स क्लासेस भी प्रमोट कर रही हूँ, मैंने तुम यही करते रहे तो, अरे भाई बताऊंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। एंड अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अपने कान बंद कर लो, ठीक है। POW क्रैशेस, अब यहाँ पे क्या था, रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब रशिया और यूक्रेन स्वाप कर रहे थे। स्वाप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्वाप, एक्सचेंज लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। स्वाप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज कर रहे थे क्या, प्रिजनर्स, ठीक है। अब रशिया वालों ने कुछ यूक्रेन के प्रिजनर्स अपने पास बंदी बना रखे हैं, यूक्रेन वालों ने इधर, तो इनका चलो तुम हम तुम्हें यूक्रेन वालों को उनके दे देते हैं, यूक्रेन वाले रशिया को रशिया के देने वाले थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो प्लेन कैरी कर रहा था, जो ये प्लेन कैरी कर रहा था यूक्रेन के जो सोल्जर्स थे उनको, जो रशिया में बंदी बने हुए थे, वो उसके ऊपर वो रशिया कहता है यूक्रेन ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो आओ सारी स्टोरी पढ़ते हैं। ऑन December 29, 2023 द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, अरे ये वो वाली स्टोरी नहीं है, नहीं, ये वो वाली है। रशियन प्लेन विथ 65 POW क्रैशेज मॉस्को से यूक्रेन शॉटेड डाउन। हाँ, तो POWs क्या है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर,
प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है ना। तो ये जो मैंने स्टोरी सुनाई बिल्कुल वही स्टोरी है, अगर ये ज़्यादा डिस्कस होगी तो इसके नोट्स बनाएंगे, नहीं तो ना ही बनाएंगे, ठीक है। अब है साउथ अफ्रीका इसराइल वाला सीन, किसको याद है? इसराइल के अगेंस्ट आईसीजे में कौन प्रोसीडिंग्स लेकर आया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सीट कहाँ पर है? हेग में है ना, हेग के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन इसराइल के अगेंस्ट केस लेके गया है? क्या केस है? जल्दी से इन द चैट सेक्शन जो भी याद है बताओ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा था हमने डिटेल में एक संडे ना, एक संडे के पूरे 30 मिनट्स मैंने तुम्हें आईसीजे पे लगवाए थे, इसराइल और ये साउथ अफ्रीका वाला। हाँ भूल गए, द हेग और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या इसराइल पे साउथ अफ्रीका ने केस किया कि भैया तुम क्या कर रहे हो, जेनोसाइड कर रहे हो। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी, एक ग्रुप के लोगों को बिल्कुल सफाया करना चाहते हो, जेनोसाइड कर रहे हो। साउथ अफ्रीका इसराइल के अगेंस्ट गया कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ, ये तो ये थी, अभी हम डिटेल में लिखेंगे चीज़ें कुछ अगर ज़रूरत पड़ी। ऑन दिसंबर, ऑन द स्क्रीन एवरी वन, ऑन दिसंबर 29, 2023 द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इसराइल इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हम नोट कर चुके हैं, अगर आप नए आए हैं आपने नोट नहीं किया तो ये जहाँ पर मैंने मार्किंग करी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको अपने नोट्स में डाल लेना चाहिए। इन इट्स एप्लीकेशन साउथ अफ्रीका आर्ग्यूड, एप्लीकेशन जो फाइल करी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसने क्या आर्ग्यू किया? दैट द मैनर इन विच इसराइल वॉज conducting its military operations in Gaza violated international convention on prevention and punishment of crime of genocide. वो कह रहा है कि जो convention है genocide पे, ठीक है ना, वो violate कर रहा है जिस हिसाब से वो Gaza पर attack कर रहा है। कौन attack कर रहा है? Israel कर रहा है। Israel Gaza पे attack क्यों कर रहा है? क्योंकि Hamas ने Israel पे attack किया था, और जो Hamas है वो rule करता है Gaza पे, तो इसलिए Gaza की territory पे Hamas की वजह से attacks हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज करंट अफेयर्स के हिसाब से दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद द आईसीजे हेल्ड अ हियरिंग ऑन प्रोविजनल मेजर्स। प्रोविजनल मेजर्स क्या होते हैं? इंटरिम मेजर्स। इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं? टेम्परेरी मेजर्स। इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं? टेम्परेरी मेजर्स। टेम्परेरी मेजर्स मतलब कि फाइनल डिसीजन आने से पहले, अभी फाइनल डिसीजन आने में तो टाइम लगेगा, बहुत बहस होगी, पर उससे पहले कुछ डिसीजंस लेने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके ऊपर ये सुनवाई कर रहे थे आईसीजे वाले। वेयर साउथ अफ्रीका एंड इसराइल वर गिवन 3 आवर्स ईच टू प्रेजेंट देयर केस, अ रूलिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कोर्ट ऑन द इशू ऑफ प्रोविजनल मेजर इज अवेटेड। अभी जो इंटरिम टेम्परेरी ऑर्डर है आईसीजे वो देगा, अभी दिया नहीं, बट उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, ठीक है जी। द केस हैज जनरेटेड इमेंस डिबेट, बहुत ज्यादा डिबेट जो है आई है सामने। एट द टाइम ऑफ राइटिंग बांग्लादेश एंड जॉर्डन हैव इशू स्टेटमेंट दैट दे विल इंटरवीन इन द केस इन सपोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश और जॉर्डन जो है वो कह रहे हैं कि हम इंटरवीन करेंगे केस में, किसकी सपोर्ट में? साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में। जर्मनी हैज स्टेटेड दैट इट विल इंटरवीन इन सपोर्ट ऑफ इसराइल। इंटरवीनिंग, अब इंटरवीनिंग का मतलब क्या होता है? इंटरवीनिंग स्टेट्स कैन हाउएवर ओनली एडवांस सबमिशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड कन्वेंशन का जो इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, जो भी प्रोविजन पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होंगे तो उसके अंदर वो हेल्प कर रहे हैं। अब कौन किसकी साइड है ये हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए आपको साउथ अफ्रीका इसराइल वाला जो है वो एक संडे को मैंने किया था, वो संडे की डेट कौन सी है वो बच्चे आपको कमेंट्स में बता देंगे, वो चेक कर लेना, मैं पिन कर दूंगी वो वाला कमेंट, ठीक है। चैट में लाइव भी बता सकते हो अपने नोट्स में पीछे जाकर। यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा साउथ अफ्रीका इसराइल आईसीजे इशू, इसराइल आईसीजे इशू, ठीक है जी। अब आईसीजे के अंदर एड ऑन नोट्स में हम क्या लिखेंगे, कौन किसकी सपोर्ट में आ गया, कौन किसकी सपोर्ट में आ गया? बांग्लादेश एंड जॉर्डन सपोर्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका किसके सपोर्ट में खड़ा है? हमास की सपोर्ट में। और जर्मनी सपोर्ट्स कौन? इसराइल, ठीक है ना, इतना हमें पता चल गया। इन दिस इशू ये सपोर्ट कर रहे हैं। द क्राइम ऑफ जेनोसाइड इज करेक्टराइज बाय एक्शंस इंटेंटेड टू डिस्ट्रॉय होल और पार्ट ऑफ अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको खत्म करना चाहते हैं, जेनोसाइड उसको कहते हैं। ट्रीटेड एज अ मोस्ट सीरियस ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स। फॉर दिस रीजन एवरी स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन नोन एज एर्गा ओमनेस ऑब्लिगेशन टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ जेनोसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेनोसाइड
is considered, is treated as the most serious of international crimes. State every, देखो यार इंटरनेशनल लॉ में स्टेट बोलते हैं, एवरी कंट्री हैज एन ऑब्लिगेशन नोन एज इर्गा ओमनीस ऑब्लिगेशन. अब ये इर्गा ओमनीस ऑब्लिगेशन क्या होती है? इर्गा ओमनी ऑब्लिगेशंस to take steps to prevent the occurrence of genocide. कि genocide जो है to destroy a group of destroy people belonging to a particular group. People ठीक है, वो कह रहे हैं कि जेनोसाइड जो है वो सबसे बड़ा मोस्ट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम है. ठीक है ना, कि एक ग्रुप का सफाया करना जा रहे हो, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का सफाया हो रहा है. ठीक है ना, गाजा में पैलेस्टीनियंस रहते हैं, इसराइल कर रहा है ये, साउथ अफ्रीका कह रहा है कि ये गलत है. तो वो कह रहे हैं कि हर कंट्री की ड्यूटी बनती है कि एर्गा ओमनीस ऑब्लिगेशन कि वो प्रिवेंट करे ये अकरेंस ऑफ जेनोसाइड को. ठीक है ना, तो साउथ अफ्रीका ने ये किया. तो ये टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब वो पूछ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं द गैम्बिया इंस्टीट्यूटेड प्रोसीडिंग अगेंस्ट म्यांमार. ये अलग है, ये कभी हमने न्यूज में पढ़ा ही नहीं क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया. Gambia instituted proceedings against Myanmar. क्यों करा Gambia ने? With respect to genocide of Rohingya. रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम है बाय रिलीजन. ठीक है, फेसिंग पर्सिक्यूशन इन म्यांमार में इनको मारा जा रहा है. ठीक है ना, तो क्योंकि जेनोसाइड हो रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं जिनको टारगेट कर रहा है म्यांमार, तो गैम्बिया गया था. ठीक है ना, तो चलिए ये प्रोविजनल समझाया हुआ है वो मैंने बता दिया. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. 8 months either after ethnic war violence broke out. तो ethnic violence मणिपुर में किसके बीच में broke out हुआ? 2023 में riots broke out between कौन सी दो community? कुकी चिन community and मेती. इनमें से already कौन सी है जो schedule caste है? यहाँ पे schedule tribe है. कुकी चिन is part of scheduled tribe community. Meti wants to become part of ST, which Kuki Chin don't want. ठीक है जी, तो यहां पर ये मणिपुर का सिनेरियो है. 2023 में राइट्स हुए वहां पर. ठीक है, वो कह रहे हैं कि चीजें नॉर्मल नहीं आई है, 8 months हो गए हैं एथनिक वायलेंस को, चीजें नॉर्मल नहीं आ रही है. तो देखो आ जाएंगी. तो कुकी चिन, कुकी जो, मेती, कुकी जो कम्युनिटी. मैं चिन क्यों बोल रही हूँ बार बार, पता नहीं मेरे मुंह पे चिन चढ़ा हुआ. कुकी जो कम्युनिटी है, सॉरी. द टाइम इज, अब यहाँ पे चाइना की शिप जो है जियांग यांग होंग जो है वो कहाँ पर आ रही है? मालदीव्स में आ रही है. ठीक है ना, बट एक कंट्री है जिसमें ये पहले आते थे वो है श्रीलंका. श्रीलंका ने बैन कर दिया ये. तो हमने ये वाला पॉइंट तो कल लिख लिया था,
अगर नहीं लिखा कि चाइना की शिप जो है कौन सी, ये वाली शिप कहाँ पर आ रही है, मॉलडीव्स में, मतलब मॉलडीव्स की कैपिटल है ये, तो चाइनीज शिप यहाँ पर आ रही है। इंडिया को क्या दिक्कत है, ये हमारा रिसर्च विजर्च करने लग जाते हैं, ठीक है ना। म्यांमार वालों को आज इनके साथ दोस्ती है, कोई बात नहीं, चाइना तो दोस्ती निभाता है, बहुत अच्छे से निभाता है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है चाइना, ठीक है, आपको पता है ना। After objecting to visits of Chinese research vessels to Sri Lanka, New Delhi managed to ensure that Colombo, श्रीलंका, यहाँ पे लिखेंगे श्रीलंका, banned from 2024 all foreign research ships that are believed to कलेक्ट डाटा फॉर मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पसेस फ्रॉम डॉकिंग देयर, ठीक है ना। इन्होंने पहले यहाँ पर श्रीलंका में आते थे ये चाइना वाले, श्रीलंका ने तो 2024 से बंद कर दिया, इंडिया ने कहा भाई ये नहीं चलेगा, बट अब ये मॉलडीव्स में जाने लग गए। और अभी कौन सी शिप जा रही है इनकी, ये वाली शिप जा रही है मॉलडीव्स में चाइना की, ठीक है ना। कौन सी कंट्री ने कह दिया कि भई हम नहीं अलाउ करेंगे जो डाटा इकट्ठा कर रही होगी शिप्स, उनको हम यहाँ पे डॉकिंग अलाउड नहीं करेंगे, श्रीलंका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड, 100% पक्का वाला, जो मर्जी लिख लो, पर अगर रिविजन हो रही है और कम टाइम है तो ये वाले जरूर रिवाइज करके जाना। उसके बाद रिसेंटली ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर विंसेंट राजकुमार एक्सप्रेस्ड हिज शॉक ऑन सोशल मीडिया ओवर द फैक्ट दैट टू डिफरेंट ड्रग्स ट्रीटिंग इंटायरली डिफरेंट कंडीशन हैड आइडेंटिकल ब्रांड नेम्स, मेडिसिन हैविंग आइडेंटिकल नेम्स। ये इशू बहुत बड़ा है, ठीक है ना, अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों बड़ा है। देखो वो कहते हैं कि, ये डॉक्टर कहते हैं कि एक लीना मैक है और एक लीना मैक 5 है, ठीक है। जो लीना मैक है वो कैंसर को ट्रीट करती है, ठीक है ना, लीना मैक 5, और जो लीना मैक अकेला है वो डायबिटीज को ट्रीट करती है, ठीक है ना। बट इनके नाम तो सेम है, नाम तो सेम है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कन्फ्यूजन विद बिटवीन दीज मेडिकेशंस एट फार्मेसी, जो मेडिसिन की शॉप होती है, केमिस्ट होती है, कैन बी सीरियस फॉर द पेशेंट्स। भाई मैं अपने पापा की दवाई चेक करूंगी कि क्या है क्या नहीं, मतलब मुझे डर लगने लग गया। ऐसे नहीं, और भी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो तुम भी अपने घर वालों की दवाइयाँ चेक करना, मैं भी करूंगी कि भाई ठीक है ना। वैसे कुछ नहीं है, मतलब भगवान का नाम लो यार, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान वो ऊपर वाला जो है ना, अगर वो चाहता है कि सही दवाई ली जाए तो ली जाए, बट वैसे हाँ सरकार को तो काम करना है। अगर गवर्नमेंट ये कहने लगी ऊपर वाला चाहता है कि जिएगा तो जिएगा, नहीं तो नहीं, तो इनको करना है, बट वैसे बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर यही बात हो रही है, कौन कौन रिवीजन जो है वो कर रहा है, कौन कौन रिवीजन कर रहा है आफ्टर क्लास, कौन 30 मिनट्स लगा रहा है रिवीजन करने में, कौन कह रहा है चलो बढ़िया हो गया अब हम चिल मारेंगे। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि क्लास अटेंड करके तो हम थक जाते हैं, तो भैया फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर फिर मैं क्लास लगाने के बाद, मतलब ये क्लास लगाने के बाद अगर मैं कहूँ मैं थक गई बस हो गया पूरा दिन ख़त्म, फिर तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव ही नहीं कर पाऊँगी, फिर तो मैं लॉगरी एजुकेरी चला ही नहीं सकती, फिर नहीं चल सकता एक क्लास लेने के, मतलब मैं तो बोल भी रही हूँ, मैं तो इससे पहले भी पढ़कर आ रही हूँ, अब तुमको तुम तो बड़े हो गए, नहीं बड़े होने से कुछ नहीं होता, मेरे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं वो मुझे ड्राइव कर रहे हैं, तुम्हारे वाले ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन इतने टुच्चू ड्रीम्स हैं तुम्हारी कि तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो रहा है यार, शर्म आनी चाहिए तुमको, सबका हो रहा है। मुझे पता है एक बच्चे ने लिख दिया, मैं उसको शर्म नहीं दे रही हूँ, शर्म तुम सबको आनी चाहिए अगर तुम रिविजन नहीं कर रहे हो। 30 मिनट्स रिविजन निकालने को क्या हुआ है, 30 मिनट में तुम दिन में कितने मिनट रील देखते हो इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और यूट्यूब पे, ये 30 मिनट की रिविजन नहीं हो पा रही है तुमसे, क्या करोगे जिंदगी में, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम 30 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो रिविजन करने के लिए। बाकी टेस्ट दे के देख लेना, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे वो बेचना है, पर तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी तुम्हारी कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। चलिए यहाँ पर दो मेडिसिन का नाम सेम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन से डॉक्टर, विंसेंट राजकुमार डॉक्टर पॉइंटेड आउट दैट लीना मैक
लीना मैक 5, ये अब याद नहीं करना कि लीना मैक कौन सा थी नाम। लीना मैक जो है वो कैंसर को ठीक करता है, मतलब कैंसर की दवाई है, और ये डायबिटीज शुगर की है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन एट फार्मेसी, कन्फ्यूजन बिटवीन मेडिसिन एट द फार्मेसी कैन बी सीरियस फॉर पेशेंट्स, बहुत ही सीरियस हो सकती है पेशेंट्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का कह रहे हैं तुमको कि भाई कोई रूल एंड रेगुलेशन भी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन काडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस काडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 2001, इस वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। एंड पार्लियामेंट मिनिस्ट्री टू अर्ज द मिनिस्ट्री टू अर्ज हेल्थ मिनिस्ट्री टू पुट इन प्लेस प्रोसेस टू प्रिवेंट द यूज ऑफ names of for drugs that are confusingly similar, ठीक है ना। जिन ड्रग्स के नाम कंफ्यूजिंगली सिमिलर हैं, ठीक है ना, उनके नाम सिमिलर नहीं होने चाहिए। तो मिनिस्ट्री को बोला था कि आप कुछ करिए, ठीक है ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो लॉ इंटेलेक्चुअल दिल्ली हाई कोर्ट ने, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग्स, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये 2001 की बात है, 2001 की बात है, ये हुआ, ठीक है ना, कुछ भी फिर नहीं हुआ। 2019 के अंदर फिर, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट को गुस्सा चढ़ गया। दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है ना, येट अनदर केस ऑफ फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड लैंडेड और फार्मास्यूटिकल कंपनी रेगुलर लिटिगेट अगेंस्ट ईच अदर अंडर ट्रेडमार्क क्लॉज अंडर जस्टिस सिंह वॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ब्रॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह थी, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भैया अब तो लेकर आना पड़ेगा तुम्हें अंडर द प्रतिभा एम सिंह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ब्रॉट। देखो कुछ जजेस ऐसे भी हैं, ठीक है ना, कुछ जजेस हैं वो उनके पास पावर है बट वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ में कर रहे हैं। कुछ जजेस हैं जो सच में फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। तो ऐसे जजेस को हमें सल्यूट करना चाहिए, ऐसे जजेस को हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए कि कुछ जजेस हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ जजेस हैं जो जिनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं और वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर तुम भी एस्पायर कर रहे हो कुछ बनने के लिए तो तुम कुछ ऐसा बनो कि तुम वो चेंजेस लेकर आ सको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है अब, मतलब इन्होंने एक्चुअली स्टेप इन किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कि तुम ऐसा करो, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज थी उस फील्ड के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इन्होंने क्या लगाया, ठीक है ना, अंडरटेकिंग, ठीक है ना, कंपनीज नाउ रिक्वायर टू गिव अंडरटेकिंग टू स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस लेने होते हैं तो एप्लीकेशन देते हैं, बट यहाँ पर क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन कि खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारा जो है किसी से मैच नहीं करता। बट इंडिया में क्या सेल्फ डिक्लेरेशन लोग मानते हैं, नहीं मानते, तो इसलिए अभी भी जो है चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर करी गई है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक इशू है इंडिया में, ठीक है। अब जितने भी बच्चे NL-60 वाले यहाँ पर बैठे हैं, जो NL-60 वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा इस इशू के ऊपर ऐसे ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस का ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ऐसे प्रैक्टिस आप इस पर कर सकते हैं, ओके, तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो यहाँ पर
पानी की बात हो रही है, जल जीवन मिशन की वजह से क्या चेंजेस आए, तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ट्राइबल हैमलेट्स जो हैं वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होती थी कि ह्यूमन और एनिमल का आमना सामना हो जाता, वो कम हो गया है. मास माइग्रेशन जो हो रही थी उत्तराखंड से कि लोग कहीं और जा रहे थे, क्यों, मे बी वाटर की कमी, मतलब इतना ज़्यादा वो था. तो यहाँ पर इन्होंने बात करी कौन से मिशन के बारे में, जल जीवन मिशन, जिसकी हमने जनवरी में बात नहीं करी है. तो जिन बच्चों ने 2024 से क्लासेस लगानी स्टार्ट करी हैं, उन्होंने जल जीवन, इतना गंदा जल जीवन लिखा है, एक मिनट रुको, जल जीवन मिशन, ठीक है ना. हाँ चलो करते हैं, अच्छे से लिखेंगे, सुंदर सुंदर से. जल जीवन मिशन क्या है, ठीक है ना, इसको लॉन्च किया था पीएम ने इन 2019, ठीक है ना, लॉन्च्ड इन 2019, ठीक है ना. प्रोवाइडेड टैप वाटर टू 73% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, 73% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर मिल चुका है, ठीक है ना. प्रोवाइडिंग टैप वाटर और ड्रिंकेबल, ठीक है ना, टैप में पाइप्स तो लगाकर, घर में टैप तो लगाया, उसमें पानी पहुंचाया, और ड्रिंकेबल जिसको ये पोर्टेबल वाटर बोलते हैं कि पी सकते हैं साफ पानी, ठीक है. थ्रू दिस मिशन गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इंडिया इज रैपिडली एडवांसिंग टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ, ठीक है ना, ये सेकेंड पॉइंट बनेगा, इंडिया एडवांसिंग टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स है ये. तो जितने भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम है, ये तो पीवाई क्यों है वहाँ का, कि ये पूछ लिया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कौन सा है ये. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स क्या कहता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल. ये हर कोई नोट करेगा, अंडर ग्रेजुएशन वाले भी जो तैयारी करें क्लैट वगैरह की भी, सीयूटी वाले भी, एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है ना. अब यहाँ पर अगर आपको नहीं पता व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऐसा करो, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज कैसे, जैसे कि पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, कि इनका यूज़, ठीक है, ऐसा करो नेचुरल रिसोर्सेज का कि आज की जनरेशन का जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो तो फुलफ़िल हो ही, आने वाली जनरेशन की भी डिमांड और रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाए. ये नहीं कि हम सब कुछ ख़त्म करके चले जाएँ, ठीक है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए. दैट इज वॉज ए सस्टेनेबल गोल. और यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने यूएन के सस्टेनेबल गोल्स के कि 2030 तक आपको ये गोल्स अचीव करने हैं. ये गोल सेट किए गए हैं यूएन की मेंबर कंट्रीज के लिए कि आप ट्राई करो कि आप जो ये गोल्स हैं ये अचीव कर पाओ, ठीक है ना. तो ये है यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है जी. उसके बाद आगे चलेंगे, द नल जल मित्रा इनिशिएटिव फॉर इंस्टेंस इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम विच इक्विप विलेजर्स विद अ कॉम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू कैरी आउट माइनर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. अब आप कहोगे कि ये क्या है, तो माइनर रिपेयर्स एंड कि जो विलेजर्स हैं वो खुद ही माइनर रिपेयरिंग शिपेयरिंग कर लें, तो उसके लिए क्या है, नल जल मित्रा, ठीक है ना. नल और जल, ठीक है, मतलब नल और जल मतलब टैप और वाटर का मित्र दोस्त, ठीक है. ये क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम विच इक्विप्स विलेजर्स विद अ सेट ऑफ स्किल्स टू कैरी आउट माइनर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम इन देयर विलेज, ठीक है ना. तो ये है नल जल मित्र स्कीम, नल जल मित्रा स्कीम ये है, ठीक है ना, कि उनको कि माइनर रिपेयर्स जो हैं जो विलेजर्स हैं वो खुद ही कर ले, तो उनको कि सप्लाई जो है वो रुके ना, ठीक है ना. उसके बाद पानी समितिज बनाएगी, क्लीन बनाया गया, टेस्टिंग किट्स बनाएगी कि ये देखा जा सके कि पानी साफ है या नहीं. ये सब चीज़ें भी जल जीवन मिशन के अंदर किया गया. जल जीवन मिशन कब आया था, 2019 में स्टार्ट किया गया था. क्या एम था, हर घर में टैप वाटर पहुंचाना है, हर घर में टैप वाटर पहुंचाना है, ठीक है. ये स्कीम, ये एम था,
इस स्कीम का, ठीक है। एट पासिंग आउट परेड ऑफ असम पुलिस कमांडोज इन गुवाहाटी इन जनवरी 20, होम मिनिस्टर अमित शाह सेड 1643 किलोमीटर इंडिया म्यांमार बॉर्डर वुड सून बी फेंस्ड। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो एज अ रिविजन यूज करेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर न्यूज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे FMR लिख लेंगे। FMR क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम किसके बीच में है? फ्री मूवमेंट रिजीम, फ्री मूवमेंट रिजीम किसके बीच में है? इंडिया और म्यांमार के बीच में। क्या करते हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में? कब आई ये? कब आई इंडिया म्यांमार के बीच में? कब आई? इन द टैट सेक्शन। हमारा बॉर्डर इंडिया और हमारा इंडिया का म्यांमार के साथ कितना बॉर्डर है? 1643, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। और अब क्या कह रहे हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसको कंसिडर करें, कंसिडर टू रिमूव, ठीक है, ख़त्म करने की सोच रहे हैं। और फेंसिंग द बॉर्डर ये भी सोच रहे हैं कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वो फेंस कर दें। क्यों कर दें फेंस? क्योंकि म्यांमार में हो गया, जनता पावर में आ गया, वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है, वॉर की वजह से बहुत लोग आ रहे हैं, और ऑलरेडी रोहिंग्याज भी आ रहे थे पहले। रोहिंग्याज कौन है? मुस्लिम्स हैं जिनको मारा जा रहा है म्यांमार में। पर्सिक्यूशन का मतलब है कि वहाँ को उनकी जान को खतरा है, तो इसलिए वो इंडिया आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो मणिपुर के अंदर राइट्स हुए कहीं ना कहीं ये लोग वजह बन रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, इसलिए हम जो फ्री मूवमेंट रिजीम है वो खत्म कर देंगे। फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या? इसके अंदर कोई भी 16 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर के इधर और उधर जा सकता है, इंडिया और म्यांमार वाला जिसका कार्ड बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी वजह से बहुत इसका मिसयूज हो रहा है, तो वो कह रहे हैं FMR हम रिकंसिडर करेंगे, हम इसको खत्म करेंगे और इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको फेंस भी करेंगे, फेंसिंग भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, मच ऑफ इंडियाज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट वॉज temporarily under Burmese occupation until the British pushed them out in 1800s. वो क्या कह रहे हैं? Burmese मतलब म्यांमार के अंदर आता था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, जब तक ब्रिटिशर्स ने 1800s में उनको बाहर नहीं निकाला। तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पता चल रही है, ये नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। और ये हमने आज तक लिखी भी नहीं है, इससे पहले हमने FMR का तो हमने एक बार बहुत अच्छे से डिटेल में किया था, ये वाला हमने कभी नहीं किया। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट was temporarily under Burmese occupation. Burmese ने occupy किया हुआ था occupation until British pushed them out in 1800s. 1800s में इनको बाहर निकाल दिया था। The victors and the vanquished signed the ट्रीटी ऑफ यांडाबू इन 1826 लीडिंग टू द करंट अलाइनमेंट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बर्मा लेटर रीनेम्ड म्यांमार। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई अग्रीमेंट ऐसे साइन किया जाता है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है, स्पेशली क्लैट जैसे एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही नोट करेंगे इसको, ठीक है। विक्टर्स एंड द वैंक्विश्ड साइंड The Treaty of यांडाबू इन 1826 में ये ट्रीटी साइन करी गई, ठीक है ना, लीडिंग टू करंट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बर्मा। और बर्मा अब क्या है? Now म्यांमार। ठीक है, द बॉर्डर डिवाइडेड पीपल ऑफ द सेम एथ। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब ये एथनीसिटी इनका सेम था, कल्चर वगैरह सेम था, बट डिवाइड हो गया, कई घर डिवाइड हो गए, कई विलेज डिवाइड हो गए, ठीक है, ऐसे डिविजन हुई, तो आपस में इनकी अभी भी बनती है। ऑलमोस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर डिले FMR केम अबाउट इन 2018, ठीक है ना। FMR कब आया? अब ये हम बात करें FMR की, FMR कब आया? FMR केम इन 2018, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, 2018 में आया। द रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस बिगैन इन अगस्त 2017, वही कि मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, और म्यांमार में इनको खतरा है, ठीक है। 2017 में नहीं, ये बहुत पहले से ही आ रहे हैं सच बताऊं तो, ठीक है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम,
ठीक है, मुझे याद है आई वर्कड विद अ लॉट ऑफ एनजीओस एंड उसके अंदर व्हेन यू गेट टू वर्क विद सम एनजीओस यू वर्क विद रोहिंग्यास. आई वर्कड वे बिफोर देम, तो 2017 में क्राइसिस हुआ, बट इंडिया में बहुत रोहिंग्यास है ऑलरेडी. द एफएमआर अलाउज पीपल लिविंग ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर, ठीक है, विदाउट वीजा. ठीक है ना, अलाउज पीपल ऑन ईदर साइड, ये लिख चुके हैं हम. प्लीज़ अगर आपने ये नहीं लिखी है ये वाली लाइन अपने नोट्स में, ये नोट कर लें, मैं ये नोट करवा चुकी हूँ. ठीक है ना, उसके बाद वाई इज़ एफ एम आर बींग रिकन्सिडर्ड, क्यों रिकन्सिडर किया जा रहा है, क्योंकि म्यांमार वाले चीज़ हो गई है. ठीक है, सिविल वॉर हो रही है वहाँ पर, लोग वहाँ से आ रहे हैं. ठीक है ना, तो ये जो है इसलिए हो रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स भी आ रहे हैं और तो इसलिए यहाँ पर मतलब वो कह रहे हैं कि हम ये रिकन्सिडर करेंगे. टू न्यू मीट रिकॉर्ड्स वर ये यूथ गेम्स में, सिक्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है. सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए आंसर इसका, तमिलनाडु में हो रही है ये गेम्स. ठीक है, यहाँ पर 1500 मीटर एथलेटिक्स इवेंट में रिकॉर्ड ब्रेक किया है दुर्गा सिंह ने, यहाँ पे लिख लेते हैं. ठीक है ना, 1500 मीटर एथलेटिक्स इवेंट, बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर सिक्स्थ, अब ये मोटा हो गया, सिक्स्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये कहाँ पर हो रही हैं, ये तमिलनाडु में हो रही हैं. कहाँ पर हो रही हैं, तमिलनाडु में हो रही हैं. कहाँ पर हो रही हैं, सिक्स हैं और कहाँ पर हो रही हैं, तमिलनाडु में. सबसे पहले तो यही हलवा क्वेश्चन है जो याद होना चाहिए. अब किसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, दुर्गा सिंह ऑफ बिहार, दुर्गा सिंह ऑफ बिहार. ठीक है ना, और मुस्कान फ्रॉम राजस्थान. ठीक है ना, 500 मीटर्स में ब्रेक किया है, ये गर्ल्स में किया है, और बॉयज़ में किसने किया है, बॉयज़ में राहुल ने किया है, राहुल सरनालिया फ्रॉम उत्तराखंड. ठीक है, 1500 किलोमीटर में किया है ये. अब यहाँ पे एक और स्पोर्ट्स का, रोहन बपाना. रोहन बोपाना क्या खेलते हैं, रोहन बोपाना टेनिस खेलते हैं. क्या खेलते हैं, रोहन बोपाना टेनिस खेलते हैं. ठीक है, क्या बन गए, क्या बन गए, ओल्डेस्ट टॉप रैंक, ओल्डेस्ट टॉप रैंक्ड मेंस डबल प्लेयर. क्या खेलते हैं ये, टेनिस, टेनिस खेलते हैं. क्या बन गए, सबसे ओल्ड, 43 ईयर ओल्ड हैं ये, और ये अभी भी खेल रहे हैं और टॉप रैंक्ड बन जाएंगे डबल प्लेयर्स में, मेंस के जो डबल का टूर्नामेंट, डबल की गेम होती है कैटेगरी, उसके अंदर. ठीक है ना, प्रीवियस रिकॉर्ड वाज हेल्ड बाय, यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड. ठीक है ना, विद पार्टनर, विद पार्टनर. ठीक है, ही कन्विंस्ड दिस विक्ट्री एट, ठीक है, क्वार्टर फाइनल विक्ट्री हुई, क्वार्टर फाइनल विक्ट्री एट ऑस्ट्रेलियन ओपन. इनका जो रैंक ऊपर गया ये विक्ट्री के बाद, ओपन विद पार्टनर मैथ्यू एब्डन, इसको जो रहा है ओवर अर्जेंटीन्स मैक्सिमो गोंजालेस एंड एंड्रीज मोल्तानी, मोल्तेनी. ठीक है ना, और प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड बाय, ये एक बार डिस्कस करेंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड हेल्ड बाय माइक ब्रियान 41. बोपाना विल जॉइन थ्री अदर इंडियंस इन महेश भूपति, लियांडर पेस एंड सानिया मिर्जा टू रीच द पिनाकल. ठीक है ना, मतलब पहले हमारे ये प्लेयर्स रह चुके हैं, तो बेसिकली रोहन बोपाना जो है वो ओल्डेस्ट बन जाएंगे कि वो टॉप रैंक्ड हुए हैं मेंस डबल प्लेयर के उसमें, मतलब इतना ओल्ड कोई भी नहीं है, 43 इयर्स के और गेम खेल रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है. ठीक है, हम जैसे अभी इनसे बहुत बहुत यंग लोग भी कहते हैं कि अरे बुढ़ापा आ गया है. ठीक है ना, और ये तो खेल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल में विक्ट्री अचीव करी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने पार्टनर मैथ्यू एब्डन के साथ. किसको हराया, मैक्सिमो गोंजालेस और एंड्रीज मोल्तेनी को. ठीक है ना, पहले ऐसा रिकॉर्ड कौन हेल्ड कर रहे थे, माइक ब्रियान, जो कि 41 के हैं, ये तो 43 इयर्स ओल्ड हैं, तो ये अब रिकॉर्ड किसके पास है, रोहन बोपाना के पास, जो कि इंडियन है.
और इंडियन है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ग्रीन से इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अब आगे चलेंगे, तुर्की पार्लियामेंट रेटिफाइड, तुर्की पार्लियामेंट मैंने क्या लिखा है, जब मैं कैपिटल में लिखती हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता मैं क्या लिख रही हूँ। चलो फिर कैपिटल में हमने लिखना है क्या, तुर्की पार्लियामेंट रेटिफाइड, मतलब कहते कि हाँ यस रेटिफाइड स्वीडन मेंबरशिप और स्वीडन नाटो मेंबरशिप, कहाँ का मेंबर बनना चाहते हैं, नाटो की मेंबरशिप। अब देखो नाटो का 32nd नॉर्डिक नेशन वुड बिकम, नॉर्डिक नेशन वुड बिकम 32nd मेंबर, अभी तो और भी कुछ होना है बट ये मेंबर बन जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर वेलकम तुर्कीज मूव, अब यहाँ पर क्या था देखो, फिनलैंड, यहाँ पे एक चीज़ है जो समझना चाहोगे, जैसे ही, चलो ये लिखना नहीं है मैं समझा रही हूँ, यूक्रेन और जैसे ही रशिया की वॉर लगी, क्यों लगी यूक्रेन रशिया की वॉर, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था, ठीक है ना, और रशिया नहीं चाहता था कि नाटो का मेंबर अगर बन जाएगा तो यूक्रेन में यूएसए और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपनी मिलिट्री प्लेस कर पाएंगी, ठीक है, वो नहीं चाहती थी कि मिलिट्री प्लेस कर पाएँ हमारे बॉर्डर के साथ, यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है इनका, ठीक है ना। अब ये देख कर डर बैठ गया कि उसके मन में, फिनलैंड और स्वीडन के मन में, कि यार ये कल को हमें भी अटैक कर सकता है, हमें भी बचने के लिए कुछ चाहिए, तो इन दोनों ने कहा हम नाटो ज्वाइन करेंगे। क्यों नाटो ज्वाइन करके क्या सेफगार्ड मिल जाएगा, क्यों ऐसे कर रहे हैं, सेफगार्ड क्या मिल जाता है, तो नाटो की एक पॉलिसी है कि अगर हमारे किसी भी मेंबर पे अटैक करोगे, नाटो की क्या पॉलिसी है, अगर आप किसी भी मेंबर पे, हमारे मान लो ए बी सी डी ई एफ ये सारी कंट्रीज नाटो का पार्ट है मान लो, ठीक है ना, और जेड ने आके एफ पे अटैक कर दिया, तो ये सारी कंट्रीज दो जेड ने एफ पे अटैक किया बट ये ए बी सी सी डी ई भी मानेगी कि हम पे अटैक हुआ और ये सारे लड़कर लड़ेंगे जेड के अगेंस्ट, क्योंकि एफ पे अटैक कर दिया ना, नाटो मेंबर पे अटैक किया तो सब पे अटैक मानेंगे, ठीक है ना। तो ये नाटो जो है फिर सेफगार्ड में हेल्प करता है, तो फिनलैंड तो मेंबर बन गया, 31st मेंबर बन गया, स्वीडन नहीं बन पा रहा था, क्यों, क्योंकि टर्की नहीं अलाउ कर रहा था इसको, और अगर आपको नाटो का मेंबर बनना है तो सभी मेंबर्स को, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनको यस 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 बोलना पड़ता है, रेटिफाई करना पड़ता है, टर्की रेटिफाई नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो कह रहा था कि स्वीडन में कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो टर्की के अगेंस्ट यू नो हैं और स्वीडन जो है इनको रख रहा है वहां पे रहने दे रहा है, तो इनको ये रिमूव करने पड़ेंगे, तो वो रिमूव हुए, फिर टर्की ने अपनी पार्लियामेंट में रेटिफाई किया स्वीडन का मेंबरशिप। अब नाटो में जल्दी ही स्वीडन ऐड हो जाएगा, फिनलैंड ऐड हुआ था लास्ट ईयर, फिनलैंड कौन सा मेंबर बना था, 31st मेंबर बना फिनलैंड, 31st मेंबर फिनलैंड बना और स्वीडन जो है 32nd अभी बनेगा, टर्की ने अप्रूव कर दिया, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, नाटो के चीफ का नाम भी लिख लेते हैं, ये नोट्स में होना ज़रूरी है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, ऐसे ही चलते फिरते एग्जामिनर पूछ लेता है, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये स्टील कर लेता है, स्टोलन है ना, अगर हम स्टोलन लिखें यहाँ पे टी डाल दें, ठीक है ना, और बर्ग, ठीक है ना, बर्गर का स्मॉल, ठीक है ना, तो स्टोलनबर्ग, ठीक है ना, जेंस को, जेंजी को बर्गर बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये स्टोल करने लग गए, चुराने लग गए जेंजी, ठीक है, ऐसे याद कर लो। उसके बाद ये कौन है, नाटो का चीफ है, नाटो का चीफ है, ठीक है। वेलकम टर्कीज मूव एंड कॉल्ड ऑन हंगरी टू डू द सेम अर्जिंग बुडापेस्ट टू कम्प्लीट इट्स नेशनल रेटिफिकेशन। अब हंगरी जो है वो बचा है, हंगरी ने को भी ये कह रहे हैं कि कर लो, टर्की ने तो कर दिया, हंगरी को कह रहे हैं कि तुम कर दो, ठीक है। नॉरू रीस्टार्ट टाइज विद चाइना, हमने ये पहले पढ़ा था, ताइवान में अभी अभी इलेक्शंस हुए, कौन बना वहाँ का प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे, कमेंट्स में भी मुझे आंसर चाहिए, पता चलेगा तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं, तभी मैंने तुम्हें आज भाषण दिया था, रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। चाइना एंड नॉरू फॉर्मली रीस्टैब्लिश्ड, चाइना एंड नॉरू, ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार से नाम रखा हुआ है, नॉरू मीनी नॉरू, ठीक है, तो चाइना एंड नॉरू फॉर्मली रीस्टैब्लिश्ड, फॉर्मली रीस्टैब्लिश्ड डिप्लोमैटिक रिलेशंस नोरू ने अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया, अब वो नए बॉयफ्रेंड के पास चली गई। नोरू का पिछला बॉयफ्रेंड कौन था, नोरू कट टाइज विद
ताइवान। अब यार ये क्या है, चाइना मतलब ये दोनों के साथ क्यों नहीं रख सकता था? तुम्हें याद है मैंने पिंक और रेड समझाया था कि ये मान लो ये आइलैंड, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं बनाती हूँ बहुत सुंदर सा, ठीक है। ये है मेनलैंड चाइना, ये है चाइना, ठीक है ना, और ये है ताइवान, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिंकीज रहते थे, बड़े आराम से अपना काम कर रहे थे। एक दिन पर्पल्स ने आके इनके ऊपर अटैक कर दिया। ये पर्पल्स जो हैं ये प्रेजेंट डे लोग हैं जो चाइना में रहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने अटैक किया, ये लोग यहाँ आके रहने लग गए, और जो पिंकीज थे उनको यहाँ, पिंकीज को कहाँ जाना पड़ा, पिंकीज को जाना पड़ा यहाँ पर, ठीक है, ताइवान में। मतलब इसका मतलब क्या है कि चाइना पे अटैक किया इन्होंने, चाइना ले लिया, ठीक है ना, जो प्रेजेंट डे चाइना है उसके ऊपर अटैक हुआ। ये लोग आके बैठ गए जो प्रेजेंट वाले चाइना वाले लोग हैं, ठीक है। जो पुराने वाले थे वो ताइवान चले गए, कहते ठीक है हम ताइवान में रहेंगे। तो क्या हुआ, बहुत देर तक जो वर्ल्ड था उन्होंने ताइवान के साथ ही, ताइवान को ही चाइना माना और उसके साथ कनेक्शन रखे। बट धीरे 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 चाइना के साथ वर्ल्ड रिलेशन बनाने लग गया और डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ खत्म करने लग गया। ऐसा क्यों, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज क्यों खत्म करने लग गया? वर्ल्ड ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज इसलिए खत्म करने लग गया क्योंकि चाइना कहता वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना मानता है कि ताइवान भी मेरा ही हिस्सा है। चाइना क्या मानता है कि ताइवान मेरा ही पार्ट है, ताइवान और चाइना एक ही है, एक ही कंट्री है, ठीक है ना। तो एक ही कंट्री है तो अब न्यू दिल्ली से बात करेंगे ना, वो है ना, इंडिया से बात कर रहे हैं तो इंडिया से एक ही इंडिया, ये तो नहीं इंडिया से अलग बात कर रहे हैं, ठीक है, और हरियाणा से अलग बात कर रहे हैं, तमिलनाडु से अलग बात कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं करेंगे। इंडिया कंट्री है ना, स्टेट्स हैं वो उसकी, तो ऐसे ही वो कहते हैं, चाइना कहते हैं ताइवान चाइना का पार्ट है, तो आप ताइवान के साथ अलग रिलेशन नहीं रख सकते। ताइवान कहते हैं मैं अलग हूँ, ठीक है। तो इनके आपस में ये लड़ाई चलती रहती है। तो अब जो नॉरू है वो उसने अपना रिलेशन किसके साथ खत्म कर दिया, ताइवान के साथ खत्म कर दिया और चाइना के साथ रिलेशन बना लिया, ठीक है। श्रीलंका पार्लियामेंट, श्रीलंकन पार्लियामेंट अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल, श्रीलंकन पार्लियामेंट अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन सेफ्टी बिल, ठीक है ना। कंट्रोवर्शियल जो ऑनलाइन सेफ्टी बिल है श्रीलंका ने वो अप्रूव कर दिया। तो लिखेंगे श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन पार्लियामेंट, श्रीलंकन पार्लियामेंट, श्रीलंकन पार्लियामेंट अप्रूव्स ऑनलाइन सेफ्टी बिल। अब ये ऑनलाइन सेफ्टी बिल क्या है? श्रीलंकन पार्लियामेंट अप्रूव, ठीक है, सीक्स टू अमेंडमेंट करी है, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, ठीक है ना, सीक्स टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म कि फ्रीडम ऑफ स्पीच चली जाएगी, ठीक है ना। जो नया बिल आया वो क्या कर रहा है? न्यू बिल सेट्स अप ऑनलाइन सेफ्टी कमीशन, ठीक है ना, इम्पावर्ड टू टेक टू मेक प्यूनिटिव रूलिंग्स ऑन ऑफेंसिव, ठीक है ना, इम्पावर्ड करा है। तो ये देखेगा, नए जज आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, प्रसन्ना बालाचंद्रा, ठीक है, नाम नोट कर सकते हैं, करना है तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि न्यू जजेस का इतना आता नहीं। न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो बने हैं, क्या नाम है उनका, जस्टिस प्रसन्ना, हंसते रहते हैं हमेशा, प्रसन्न रहते हैं हमेशा, प्रसन्ना बी वराले, और इनकी जो प्रसन्नता है वो वायरल होती जाती है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। एमओडी लिंक्स रुपीज 1070 करोड़ डील फॉर 14 पेट्रोल वेसल, पेट्रोल व्हीकल जो शिप इधर उधर घूमती रहती है, जैसे गाड़ियां घूमती है ना सड़क पे, वैसे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई फॉर 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, ठीक है ना। इसको ये क्या बुला रहे हैं, एफ पी वीज, क्या बुला रहे हैं, एफ पी वीज।
अब जो FPVs हैं विल बी इंडिजीनियस डिजाइंड एंड डेवलप मैन्युफैक्चर बाय MDL अंडर बाय कैटेगरी एंड विल बी डिलीवर्ड इन टोटल 63 months अलॉन्ग विद सेवरल हाईटेक एडवांस फीचर्स एंड इक्विपमेंट. दीज FPVs विल बी इक्विप्ड विद मल्टीपर्पज ड्रोन्स एंड ये सब कुछ इक्विप्ड होंगे इसमें. तो अब यहाँ पर क्या है FPV ये पॉइंट ऐड करेंगे FVPs इंडिजीनियसली का मतलब क्या होता है खुद बनाएंगे वुड बी इंडिजीनियसली डिजाइंड डिवेलप्ड and manufactured by MDL under by category. ठीक है ना India IDDM ये बनाएंगे. ठीक है ना तो ये बनाएंगे इंडिजीनियसली डिजाइन करेंगे मतलब खुद से ही बनेगा इंडिया ही बनाएगा इसको. द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर लेप्रेसी. रेजिमेन का मतलब क्या होता है प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर आज न्यूज़पेपर थोड़ा लंबा है कोई बात नहीं. यूनियन गवर्नमेंट हाँ जी तो यूनियन गवर्नमेंट ने लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट has approved new treatment regimen for leprosy. regimen का मतलब क्या होता है regimen का मतलब होता है prescribed course for medical treatment. ठीक है ना लेप्रेसी के लिए क्या है जो क्योंकि 2027 तक हमारा एम क्या है कि लेप्रेसी हमको कब तक इरेडिकेट करना है 2027 एफर्ट्स टू इरेडिकेट. इंडिया क्या कर रहा है एफर्ट्स टू इरेडिकेट लेप्रेसी बाय 2027. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब तक इंडिया रिमूव करना चाहता है इरेडिकेट मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है लेप्रेसी. ठीक है उसके बाद यहाँ पर A letter written by Director General of Health Services said the National Leprosy Eradication Program is taking all the required steps to stop transmission of the infection. ठीक है ना तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोग्राम चल रहा है National Leprosy Eradication Program. ठीक है ना तो ये क्या कर रहा है इरेडिकेशन प्रोग्राम टेकिंग ऑल द स्टेप नाउ द अप्रूवल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस 3-drug regimen for Fosse bacillary, that is TB cases instead of 2-drug regimen. मतलब जो मेडिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर पहले 2 drugs 2 medicines दिए जाते थे अब 3 drug दिए जाएंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने अप्रूव किया किसके लिए जो पीबी वाले केसेस हैं अब पीबी वाले केसेस क्या हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है ना इट फर्दर एडेड दैट WHO ने ये रिकमेंड किया है ड्रग रेजिमेन फ्रॉम अप्रैल द रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रेसी एंड द ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर पीबी एंड एमबी केसेस इन इंडिया विल बी इंप्लीमेंटेड. सेफ लेप्रेसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय. ठीक है ना तो ये जो डिजीज है लेप्रेसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय कौन सा कीटाणु उसको कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे ये जो है इसको कॉज करता है द बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ नोज माउथ ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड. ठीक है बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड वाया ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड माउथ ड्यूरिंग close and frequent contact with untreated
केसेस। तो ऐसे जो है लेप्रेसी फैलती है, ठीक है ना। जो इसका माइक्रो बैक्टीरिया है उसका नाम ये है, ठीक है, नाम भी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल द सिक्स WHO रीजन, क्योरेबल विद मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है ना। इट इज अ क्योरेबल डिजीज, इट इज क्योरेबल विद मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, ठीक है। द लेटर ऑल्सो स्टेट दैट द PB पेशेंट्स हैव फ्यूअर बैक्टीरिया विजिबल एंड शो नो साइंस ऑफ एडवांस्ड डिजीज इन बायोप्सीज, वाइल MB पेशेंट्स हैव विजिबल बैक्टीरिया एंड मे शो साइंस ऑफ एडवांस डिजीज, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने लेप्रेसी के दो टाइप के पेशेंट्स बताए हैं। तो लेप्रेसी के दो टाइप के पेशेंट्स कौन से हैं? एक तो PB वाले हैं और एक MB वाले हैं। तो PB वाले हैं वो कौन से हैं? फ्यूअर बैक्टीरिया, फ्यूअर बैक्टीरिया, ठीक है, शो नो साइंस ऑफ एडवांस्ड डिजीज। ऑन द अदर हैंड ये जो MB वाले हैं, यहाँ पे विजिबल बैक्टीरिया है, ठीक है ना, एंड साइंस ऑफ एडवांस्ड डिजीज, ठीक है ना, ये फर्क है इनमें। उसके बाद वी बिलीव दैट दिस न्यू ट्रीटमेंट रिजीम जो है विल हेल्प इंडिया इरेडिकेट लेप्रेसी बाय 2027। बेटा जी ये जो 2027 वाला पॉइंट है ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे PYQs बहुत बार आ चुके हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हलवा क्वेश्चन, यहाँ पर द कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर 12 मंथ्स फॉर MB केसेस की दवाई है। द WHO प्रोवाइड फ्री अब यहाँ पे WHO जो है, WHO हैज बीन प्रोवाइडिंग फ्री MDT, दैट इज मल्टी ड्रग थेरेपी ठीक है, रिजमिन इज नोन एज यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर 3 पैकेट ये वाला, इतना ही हमें पता होना चाहिए जो मैंने तुम्हें लिखवाया है लेप्रेसी के बारे में, ठीक है ना। ये 2047 में तो 100 साल हो जाएंगे हमें, ठीक है ना। -20 कर दो, ठीक है ना, सही कहना मैंने, हाँ -20 कर दो 100 ईयर्स वाले में से, तो 2027 में हमको लेप्रेसी खत्म करना है इंडिया में। फ्रेंच प्रेसिडेंट टू अटेंड शोभा यात्रा इन जयपुर, शोभा यात्रा और पब्लिक प्रोसेशन, ठीक है ना, रोड शो यहाँ पर मोदी जी के साथ ये करने वाले हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या? इमैनुअल मैक्रॉन जो हैं वो क्या बनेंगे? चीफ गेस्ट बनेंगे। क्या क्या विजिट करेंगे जयपुर के अंदर वो, ठीक है। जयपुर के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमें आ जाता है, जयपुर में क्या है? अंबेर फोर्ट, जंतर मंतर, ठीक है ना, और क्या है यहाँ पर? हवा महल है, ठीक है ना, हवा महल है यहाँ पर जयपुर में। क्वेश्चन आता है ये कहाँ पर है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेशन है इनकी, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पर जयपुर हैज बीन चोजन, ये चंडीगढ़ भी आए थे, क्योंकि चंडीगढ़ किसने बनाया है? चंडीगढ़ फ्रांस के आर्किटेक्ट ने बनाया, फ्रांस चंडीगढ़, क्योंकि ली कार्बूजियर से कनेक्शन है, ली कार्बूजियर ने बनाया है चंडीगढ़ को, तो ये चंडीगढ़ भी आए थे, ठीक है, 2016 में। और शोभा यात्रा निकलेंगे, चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे में। तो लॉ मिनिस्ट्री क्या लेकर आ रही है? लॉ मिनिस्ट्री हमारा, एक मिनट थोड़ा पतला कर लें इसको, हमारा संविधान, हमारा सम्मान, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं इसका क्या है? आर कॉन्स्टिट्यूशन अवर रिस्पेक्ट लॉन्च्ड बाय लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं? एम्स टू सेलिब्रेट शेयर्ड वैल्यूज दैट बाइंड द नेशन, रीअफर्म कलेक्टिव कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स mentioned in the
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, लोगों को याद करवाना कि हमारा संविधान जो है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कपूरी ठाकुर जो हैं, जो बिहार के सीएम रह चुके हैं, ये न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि इनको भारत रत्न मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है। तो इनके बारे में एक और चीज़ बात है, कल हमने बात करी थी कि कैसे इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी में एक मेजर रोल प्ले किया, ठीक है ना। आज बात चल रही है कि इन्होंने हिंदी के लिए क्या किया। यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह ऑन वेनसडे ड्रू अटेंशन टू द फैक्ट दैट द सोशलिस्ट आइकॉन कपूरी ठाकुर हैज प्रोमोटेड हिंदी इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आफ्टर स्क्रैपिंग इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट व्हेन ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे, ये कल का हमने पढ़ा था। एक और पॉइंट ऐड करेंगे, कपूरी ठाकुर एज एजुकेशन मिनिस्टर प्रमोटेड हिंदी इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या किया था, आफ्टर स्क्रैपिंग इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर ने उनका कि इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, हिंदी में भी आप पास कर लो तो आपकी मैट्रिक हो जाएगी, ठीक है। तो इनका भी क्या सेलिब्रेट करें, 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन वेनसडे, तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया है कि जो ज्ञानवापी मॉस की वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्ड रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क बी मेड पब्लिक, ठीक है ना। अब जो ज्ञानवापी मॉस्क की साइंटिफिक सर्वे है वो किसने किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कंडक्टेड बाय, लिख लीजिए, सर्वे कंडक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले जो है उन्होंने कंडक्ट किया है, कह रहे हैं पब्लिक कर दो, लोगों को दिखा दो क्या है, ठीक है ना। तो ज्ञानवापी मॉस वाला इशू हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं आज इशू करूंगी, वैसे बहुत हैवी है आज का न्यूज़पेपर, तो इसको दोबारा से नहीं करेंगे। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ नेशनल वोटर्स डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। PYQ है 25 जनवरी को, जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, उसके एक महीने बाद 25 जान को क्या होता है, नेशनल वोटर डे होता है। ये PYQ है, पता ही नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका है, सभी पेपर्स में। उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान जो है उन्होंने इलेक्शंस करवाए, कौन जीता, भूटान जो है वहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जीती, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भूटान जो था, भूटान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बैकग्राउंड वाली जो हमें नोट करनी पड़ेगी। भूटान में इलेक्शन तो हुए, पर भूटान 2008 में क्या हुआ, भूटान कन्वर्टेड फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्की क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब किंग ही था, किंग ही सब कुछ था, एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब किंग था सब कुछ, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब यहाँ पर लीडर भी है, एक इलेक्टेड लीडर प्लस किंग, इलेक्टेड लीडर भी है और किंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है दोनों के बीच में, ठीक है ना, भूटान के अंदर ही है। भूटान में क्या मेन एम था, ठीक है ना, बहुत पहले तक मेन एम क्या था इनका, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इनका मेन एम था, कि खुशहाल देश। पर खुशहाल देश को नज़र किसकी लगी,
क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में ये क्या कहते थे कि हम मतलब बहुत शांति होगी, ग्रीनरी होगी, खुशहाल होगा, बट फिर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आने लग गए, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आने लग गए भूटान के अंदर. एम्प्लॉयमेंट इश्यूज से क्या होने लग गया, माइग्रेशन होने लग गई. तो माइग्रेशन को रोकने के लिए अब ये क्या कर रहे हैं, अब जहां पर ये कहते थे हमारे देश में पॉल्यूशन ना हो जाए, अब कह रहे हैं कि अब हमको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती माइग्रेशन हो जाएगी. तो हैप्पीनेस तो कहाँ से आएगी जब लोग ही चले जाएंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि loggery.in ज़रूर विजिट करना, वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मई 2023 से लेकर के नवंबर 2023 तक के डल गए हैं, दिसंबर और जनवरी 2024 के मैं बहुत डल डाल दूंगी, 7 to 8 hours के लेक्चर्स ये हैं जो सुन करके आपका पूरा मंथ प्रिपेयर हो जाता है. डिजी नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं. जनवरी के MCQs डल गए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कोई फायदा हो रहा है या नहीं, इंप्रूवमेंट कहां पर चाहिए. ठीक है, एंड साथ ही में डेली नोट्स भी आप खरीद सकते हैं. और इसके बाद तो कोई न्यूज ही नहीं है, ये सुनाने के लिए रुका था मैंने तुम्हें. ठीक है, तो यस डू कमेंट एंड कि आपको ये सेशन कैसा लगा, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे बारे में जरूर शेयर करना एंड ऑल्सो बाय समथिंग फ्रॉम अस, इससे आप हमें सपोर्ट कर लेंगे और आपका भी फायदा हो जाएगा, विन विन सिचुएशन है. कल 6 बजे जरूर मिलेंगे, 6 PM क्लास हर रोज लगानी है, कौन रेगुलरली क्लास लगा रहा है वो कमेंट जरूर करके जाना, सेशन कैसा लगा ये भी बताना, उससे मोटिवेशन मिलती है. बाय, टेक केयर. एंड हाँ, अगर कोई डाउट है आपको तो वो भी कमेंट्स में बता जाना, क्योंकि संडे को डाउट क्लास होती है, उसमें मैं आपका डाउट पिक कर लूंगी कमेंट्स में से. बाय.